सहजन लंबी फली वाला एक सब्जी का पेड़ है जो कि भारत में उगाया जाता है। ज़्यादातर हम इसकी सब्जी, सांभर व अन्य भोजन बनाने में उपयोग करते हैं। सहजन की फली में विटामिन सी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर अक्सर मौसम के असर से होने वाले सर्दी जुखाम से हमें रोकता है। पेट की समस्याओं के लिए सहजन कारगर है। इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है जिसके कारण कब्ज दूर होता है। सहजन हमारे वजन को भी कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। कोई तो कहते हैं गर्भवती औरतों के लिए ये संजीवनी बूटी का काम करते हैं, पर कोई कोई कहते हैं ये उनके लिए अच्छा नहीं है। तो किसी भी चीज़ को एक लिमिट से लिया जाए या फिर अपने डॉक्टर से सलाह लेके ली जाए तो उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी चीज़ का पाउडर लें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करके उसे उपयोग में लें या फिर उसे बहुत ही कम मात्रा में लें। थायरॉइड ग्लैंड अधिक सक्रिय होती है। वह सहजन खाते हैं तो बढ़ा हुआ थायरॉइड स्राव कम होने लगता है। सहजन हमारे बालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। यह बालों के लिए एक हेयर टॉनिक माना जाता है। स्किन के लिए भी सहजन बहुत ही उपयोगी है। इससे हम स्किन के लिए कई तरह के लाभ उठा सकते हैं। यह विटामिनों, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। इसका फेस पैक लगाकर झुर्रियाँ और महीन लकीरें दूर की जा सकती है। किडनी में स्टोन की समस्या में सहजन कारगर है। इससे स्टोन नहीं बन पाता है, इसलिए स्टोन के लिए भी यह बहुत ही कारगर है। यह हाई ब्लड शुगर लेवल को भी कम करता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने की वजह से यह हृदय के लिए भी बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। सहजन हमारी एनर्जी की कमी को भी पूरी करता है और जल्दी थकान होने नहीं देता है। सहजन के बहुत सारे फायदे हैं। इसे आप किसी भी रूप में लें, ये बहुत ही फायदेमंद है। आप चाहे इसके सब्जी बनाकर खाएं या फिर किसी चीज़ में इस तरह इसका पाउडर बना के उपयोग करें, ये हर तरह से हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। सहजन के पत्ते, फल सभी बहुत ही फायदेमंद है। किसी भी चीज़ को किसी भी तरह हम इसे उपयोग करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो आप इसे उपयोग करें और इसके लाभ उठाएं। इसका पाउडर हम घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि सहजन हमें सालों भर नहीं मिल सकता, तो हम इस तरह पाउडर बना के रखेंगे तो हमें साल भर इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। उसके लिए हमने ये 500 ग्राम सहजन की फली ले ली है। इसे हम अच्छी तरह से पहले धो लेंगे। इस तरह अच्छे से धो के अब ऊपर और नीचे से इन्हें काट लेंगे। बीच से इस तरह दो हिस्सा कर लेंगे ताकि ये जल्दी सूख के तैयार हो। अब एक प्लेट में या एक ट्रे में इस तरह इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। सारी फली को इसी तरह काट लें। सुखाने के लिए जब भी लें तो थोड़ी मोटी फली देख के लें, बहुत ज़्यादा बारीक ना लें, उसमें केवल छिलका रहेगा। इस तरह थोड़ी मोटी फली देख के लें। इस तरह सारी फली को काट के इन्हें थोड़ा फैला कर सुखाएं ताकि यह जल्दी सूख के तैयार हो जाए और धूप में रखें। इन्हें सूखने में 2 से 3 दिन लग सकता है, तो इन्हें इस तरह फैला कर धूप में सुखाएं। ठीक है, 3 दिन में हमारी फली कितनी अच्छी तरह से सूख चुकी है। अब इन्हें हम एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल के पीस लेंगे। ये इस तरह इन्हें पीस कर अब छान लेंगे ताकि ज़्यादा मोटे रेसे हो वो निकल जाएं, वरना इसे किसी भी चीज़ में डालेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा रेसे आ जाएंगे। इस तरह इन्हें छाने और फिर से इन्हें पीस लें। बचे हुए पाउडर के साथ थोड़ी सी फली और डाल लेंगे और फिर इन्हें हम पीसेंगे। इसी तरह पीस पीस कर छान छान कर हम सारी फली के पाउडर को तैयार कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा पाउडर बनके तैयार हुआ है। इस तरह आप क्वांटिटी में बनाकर एक एयरटाइट जार में स्टोर करके साल भर तक रख सकते हैं। सहजन की फली हमें साल भर नहीं मिलती है, तो आप इसे इस तरह पाउडर फॉर्म में बनाकर साल भर स्टोर करके रख सकते हैं और इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। अब इसे कितना लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, गर्भवती महिलाओं के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। पर यह गर्भ तासीर की होती है, तो आप इसे जब भी लें अपने डॉक्टर की सलाह से लें और या फिर बहुत ही कम मात्रा में इसे एक बार स्टार्ट करें।
बीपी लो होने पे भी इसे आप डॉक्टर की सलाह पे ही लें, आप अपने मन से इसे उपयोग ना करें। आप इसे लेना जब भी स्टार्ट करें तो बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना स्टार्ट करें, करीब एक छोटा चम्मच इसे लें, और किसी भी खाने के रूप में लें, जैसे कि आप अपने जूस में मिला के, स्मूदी में मिला के, या फिर दही में मिला के लें। पहले आप देखें कि ये आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर आप इसकी क्वांटिटी एक टेबल स्पून तक बढ़ा सकते हैं। जिसे नींद की प्रॉब्लम है वो इसे रात को ले तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, वरना इसे आप मॉर्निंग में ले या फिर अपने ब्रेकफास्ट में इसे इंक्लूड करें। पर सबसे अच्छा होगा कि आप जब भी लें इसे अपने डॉक्टर की सलाह से लें और कम से कम क्वांटिटी में इसे एक बार स्टार्ट करें।